150 गजब मजा आ रहा है। नमस्ते जी, मेरा नाम है संदीप कुमार भारती। आज है 5 अगस्त 2022 और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज हम सफ़र करने वाले हैं भारत की दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में। जी हाँ, आपने सही सुना, 1202 न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी में, जिसको हम लोग भोपाल शताब्दी के भी नाम से जानते हैं। और इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था 14 नवंबर 1988 को हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। ये ट्रेन को पहले चलाया गया था न्यू दिल्ली से झांसी तक, के बाद इसको भोपाल तक कर दिया गया और अब कर दिया गया रानी कमलापति स्टेशन तक। पहले रानी कमलापति स्टेशन का नाम था हबीबगंज। तो ये ट्रेन निकलती है न्यू दिल्ली से सुबह के 6 बजे और रानी कमलापति भी हमको छोड़ेगी दोपहर के 2:40 पे। टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 708 किलोमीटर और समय लगने वाला है 8 घंटा 40 मिनट और इसका टोटल 8 स्टॉप है और ये ट्रेन रोज चलती है। तो अभी समय हो रहा है 6:37 और हमारी ट्रेन जाते हैं चल रही। देखिए 150 गजब मजा आ रहा है। ये भारत की दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है और पहली जो है गतिमान है। वंदे भारत भी 180 तक उसका ट्रायल हुआ है, लेकिन बैटरी सक्षम नहीं है। तो गतिमान पहले चलती है 160 तक और ये चलती है 150 तक। अभी देखिए अभी कितना हुआ, 143 हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान मथुरा में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है मथुरा जंक्शन, स्टेशन कोड MTJ और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1904 में और हमारी ट्रेन निकल चुकी है। अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो यहाँ का पेड़ा बहुत ही मशहूर है। तो हम आ चुके हैं इस ट्रेन की दूसरी स्टॉपेज आगरा कैंट और दुनिया के 7 अजूबा में से एक यहाँ पे है ताजमहल। तो अगर आप आगरा आ रहे हैं तो ताजमहल घूम सकते हैं, बताने की तो जरूरत ही नहीं है। और मैं आगरा घूमा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं गया था ताजमहल, आगरा फोर्ट, इत्मादउद्दौला, फतेहपुर सीकरी। मैं आया था उस समय ना आगरा फोर्ट पर, यहाँ पे 2 स्टेशन है, एक आगरा कैंट एक आगरा फोर्ट। ताजमहल एक बार और हो जाए क्या? अभी नहीं महाराज, अभी तो लॉन्ग ट्रिप पर निकले हैं, मतलब एक सप्ताह का ट्रिप है और समय हो रहा है 8:04 और हमारी ट्रेन लगभग 5 मिनट शायद लेट आई है। आगरा कैंट से हमारी ट्रेन निकली थी, उसके बाद हम लोग को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है। ब्रेकफास्ट में हम लोग का एक ब्राउन ब्रेड, टमाटो केचप, बटर, एक मैंगो जूस, वेज कटलेट और हाँ ऑप्शनल होता है, नॉनवेज अगर आपको लेना है तो नॉनवेज ले सकते हैं, वेज लेना है तो वेज ले सकते हैं। नॉनवेज में केवल आपको ऑमलेट मिल जाएगा कटलेट की जगह, बाकी सब सेम रहता है। हम आ चुके हैं वीरंगना लक्ष्मी बाई जंक्शन। पहले इस स्टेशन का नाम था झांसी, इसी साल जनवरी में इस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है VGLV। इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1880 में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, झांसी से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलती है 160 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से। यह है भारत की दूसरी तेज चलने वाली ट्रेन। हमारी ट्रेन यहाँ पे मतलब 2 मिनट पहले आई थी और 5 मिनट का स्टॉपेज है तो 7 मिनट रुकेगी। और हमारा कोच है C9 में और ये देखिए अंग्रेज लोग, मतलब ऐसे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे झांसी घूमने के लिए। आगरा से आए होंगे, आज तो ताजमहल बंद होगा, आज शुक्रवार है। झांसी से हमारी ट्रेन निकली थी और ललितपुर आने वाला है। खाना हम लोग को दे दिया गया, खाना में पनीर की सब्जी, दाल, जीरा फ्राइड चावल, एक क्लासिक दही टॉप सी, मिक्स अचार, 2 चपाती। मैंने अभी तक यात्रा किया ना ट्रेन में, पहली बार ये स्टील का चम्मच मिला है, नहीं तो लकड़ी का मिलता था। तेजस में भी किया था, उसमें भी लकड़ी का ही था मुझे जहाँ तक याद है, बाकी मुझे वीडियो देखना पड़ेगा। ऑल राइट, तो मिल गया आइसक्रीम, खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी मिलता है शताब्दी में। अगर आप पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं तो मैं बता दूँ, और ये है राबड़ी है ना, इसको हम लोग खरीदते हैं ये मतलब पैसा दे के, और ये मिला है खाना का टिकट में, टिकट में इसका इंक्लूड था। तो ये राबड़ी और आइसक्रीम पहली बार मिला के खाएंगे आज, और मतलब एकदम करदा हो जाएगा। आप भी कभी खाइएगा, देखिएगा ये फ्री का नहीं, इसका भी पैसा दिए हैं टिकट बुकिंग के समय और इसका भी दिए करेंट में। तो देखिए मिलाते हैं इसको, इधर दिखाइए कैमरा मैन, इसको देखिए भाई हम निकाले राबड़ी, पॉइलेट डालेंगे आप इसमें भी, इसमें डाल सकते हैं निकाल के। ये देखिए बन के हमारा तैयार, अभी थोड़े ही डाले हैं तो ये हमारा बन गया है, अब इसको हम खा के देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, आप कभी खा के देखिएगा। ये
टीवी चैनल के मदद ले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सभी का स्वागत है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भोपाल स्टेशन पर। यह स्टेशन ओपन हुआ था 1910 में और मैं बता दूं कि मेरी जो ट्रेन है इसमें 14 चेयर कर का डिब्बा है, 2 एग्जीक्यूटिव क्लास का डिब्बा है। जो इंडिया से रानी कमलापति का फेयर है चेयर क्लास का 1310 रुपया, एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट है 2690 रुपया। इसमें फूड भी इंक्लूड है और हाँ ये डायनेमिक फेयर है, कभी भी चेंज हो सकता है। खाना जो मिला था ना खाना ठीक था, मतलब 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। और चम्मच हमको मतलब लुभा लिया, वाला स्टील का चम्मच था, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन चम्मच ने मुझे लुभा लिया। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पे आपका स्वागत है। इस स्टेशन का पहले नाम था हबीबगंज। 14 नवंबर 2021 को हबीबगंज से इस स्टेशन का नाम बदल रानी कमलापति कर दिया गया और 15 नवंबर 2021 को इस स्टेशन को पुनः विकसित करके एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया गया। और यहीं से देखने में भाई लग रहा है कि वाकई में वर्ल्ड क्लास स्टेशन है और ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। देखिए एलईडी स्क्रीन देखिए भाई, पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ मतलब बोर्ड दिखाने के लिए एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है। ये शताब्दी डे ट्रेन है तो यहाँ से कुछ ही देर में मतलब आधा घंटे या एक घंटा बाद जाएगी फिर दिल्ली। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच।